प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ लेंस, ऑल्सो एक्सप्लेन द टर्म्स यूज्ड। आपको क्या करना है, न्यूटन्स फॉर्मूला लिखना और जो टर्म इस्तेमाल हो रही हैं उनके मतलब भी बताने। ये क्वेश्चन 3 बार यूपी बोर्ड के अंदर पूछा गया। सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो न्यूटन्स फॉर्मूला है ही नहीं, तो ध्यान रहे सीबीएसई वाले इसको ना देखें, यूपी बोर्ड वाले ज़रूर देख लें। तो इसमें क्या होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, x1 x2 इज इक्वल टू होता है f1 f2, और f1 f2 फर्स्ट फोकल लेंथ और f2 सेकंड फोकल लेंथ। x1 ये है कि फर्स्ट फोकल लेंथ से जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो x1 का काम करता है, और x2 जो होता है वो इमेज डिस्टेंस जो होती है सेकेंडरी फोकस है। बस ये इस फॉर्मूले के अंदर आता है। आप याद रहे x1 x2 इज इक्वल टू होता है f1 इनटू f2, बस ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। इतना लिख देंगे और 2-4 बातें ये लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।